हेलो फ्रेंड, मैं हूँ स्नेहा। स्नेहा शर्मा किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं दो आलू और गेहूँ के आटे से बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनाऊँगी। तो इसके लिए ये दो आलू ली हूँ, ये बॉयल आलू हैं। इसके छिलके उतार ली हूँ और अच्छे से ग्रेट कर ली हूँ। तो आलू को अच्छी तरह से ग्रेट कर ली हूँ। उसके बाद इसमें मसाले डालेंगे, तो 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे, थोड़ा सा हल्दी डालेंगे, 2-3 पिंच ही, बिल्कुल थोड़ा ही लाल मिर्च पाउडर डालूँगी क्योंकि बच्चों के लिए बना रही हूँ इसलिए, और 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, थोड़ी सी अजवाइन 1/2 टीस्पून से कम, और 2-3 पिंच ही कलौंजी डालेंगे। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है नाश्ते में। उसके बाद सभी को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो तीखा आप अपने पसंद, आप चाहे तो यहाँ हरी मिर्च का भी यूज कर सकते हैं, मैं नहीं डाल रही हूँ। तो सभी को डालकर अच्छे से मिक्स कर ली हूँ और इसे साइड रख देंगे। उसके बाद गेहूँ का आटा ली हूँ सिंपल। तो उसके बाद ये 2 कप गेहूँ का आटा है, उसमें 1/2 टीस्पून नमक डाल दी हूँ और 1 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छा सा सॉफ्ट सा डो बनाकर तैयार करेंगे। तो पहले थोड़ा ही पानी डालेंगे, एक बार में ज़्यादा पानी का यूज नहीं करें, थोड़ा थोड़ा ही पानी डालकर अच्छे से मिक्स करते हुए इसका अच्छा सा सॉफ्ट सा डो बनाकर तैयार कर लेती हूँ। इसका आटा ज़्यादा ना हार्ड होना चाहिए, ना ही ज़्यादा रोटी के जैसा सॉफ्ट, जैसे हम पूरी का आटा बनाते हैं थोड़ा सा हार्ड, बस उसी तरह का आटा गूँथ कर तैयार कर लेना है। तो देख सकते हैं अच्छे से आटा गूँथ कर तैयार कर ली हूँ। तो उसके बाद इसको साइड कर देते हैं और दूसरा बर्तन ले लेते हैं। तो इसमें 1/2 कप गेहूं का आटा ली हूँ। आप चाहें तो यहाँ मैदे का भी यूज कर सकते हैं या कॉर्नफ्लोर का भी, पर मैं गेहूँ के आटे से ही हेल्दी बनाना चाहती हूँ इसलिए। तो गेहूँ का आटा ले ली हूँ। उसके बाद इसमें 1/2 टीस्पून नमक डाल देंगे, 1/2 टीस्पून ही हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर डालने से हमारे जो नाश्ते का कलर बहुत अच्छा आएगा, और 1/2 टीस्पून से थोड़ा कम लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून डालेंगे सफ़ेद वाली तिल। इस तिल डालने से हमारा नाश्ता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा, देखने में भी अच्छा लगेगा और खाने में इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका अच्छा सा गाढ़ा सा बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए इस तरह का बैटर हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो अब इसमें थोड़ी सी डालेंगे कलौंजी, जिसे मंगरेल भी कहते हैं। ये डालने से हमारा जो नाश्ते का कलर बहुत अच्छा आएगा और देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा हमारा नाश्ता, और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है कलौंजी डालने से। तो कलौंजी डालकर इसको और अच्छे से मिक्स कर लें और इतना ही गाढ़ा हमारा बैटर बनाकर तैयार करेंगे। उसके बाद एक बड़ी सी लोई तोड़ लेंगे, हमने जो आटे को गूँथ कर रखा है उससे, तो एक बड़ी सी लोई तोड़ लेंगे और बड़ी सी रोटी बनाकर तैयार करेंगे। तो पहले लोई को अच्छे से चिकना कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा सूखा आटा चकले पर, थोड़ा सा लोई में भी सूखा आटा लगाकर इस तरह से इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे। आप चाहें तो ऐसे भी बेल सकते हैं और इस तरह से भी बेल सकते हैं। तो उसके बाद इसकी अच्छे से पतली सी रोटी बनाकर तैयार करेंगे। तो अच्छी तरह से इसको घुमाते हुए इसको अच्छे से पतली सी रोटी बनाकर तैयार कर लेते हैं। देखिए पतली सी रोटी बनाकर तैयार कर ली हूँ। उसके बाद इस पर थोड़ा सा हम टमाटो केचप लगाएंगे, इससे हमारे नाश्ते का टेस्ट बढ़ जाता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। आप चाहें तो टमाटो केचप की जगह पे धनिया की चटनी भी लगा सकते हैं। तो टमाटो केचप डालकर अच्छे से पूरे में फैला दूँगी, फोक से फैलाने में नहीं बन रहा था तो इसे हाथों से ही अच्छे से पूरे में फैला दें। उसके बाद हमने जो आलू का मसाला बना कर रखा है उसमें से 2 टेबल स्पून डाल देंगे और पूरे रोटी पर अच्छी तरह से बिल्कुल पतले में इसको फैलाएंगे इस तरह से। तो अच्छे से फैला लेती हूँ कि आलू का मसाला पूरे रोटी में अच्छे से फैला दी हूँ। उसके बाद साइड से इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो अच्छी तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे पूरे रोल की जैसा, बिल्कुल हाथों से ध्यान दे करके इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब का बेल आइकन बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो देखिए रोल हमारा अच्छे से बन गया। उसके बाद साइड वाला जो आटा है उसको काट करके हटा देंगे, उस आटे का भी यूज करेंगे। तो उसको अभी साइड कर देती हूँ। उसके बाद इसके 1/2 इंच पर इसको इस तरह से गोल गोल कट कर लेंगे। इस तरह से हमारा नाश्ता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। और उसके बाद इसको हाथों से दबाकर इस तरह से इसको तैयार कर लेंगे। तो सभी को कट कर लेती हूँ। उसके बाद सारे नाश्ते को इस तरह से तैयार कर लेती हूँ।
तो देखिए सभी को इसी तरह से आधी आधी इंच की दूरी पर सभी को कट कर लेंगे। देखिए सभी को कट कर लें, उसके बाद हाथों पर रख करके इसको इस तरह से हल्का हल्का दबा देंगे ताकि हमारा नाश्ता बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए दोनों हाथों से भी दबा सकते हैं आप, चकले बेलन पर भी हल्का सा दबा दें, बस इसे बेलने की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा दबाने से ही हमारा नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। तो सभी को इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेती हूँ। देख सकते हैं सभी को बनाकर तैयार कर ली हूँ। उसके बाद गैस पे एक कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, गैस ऑन कर ली हूँ और रिफाइंड ऑयल डाल दी हूँ। उसके बाद एक एक नाश्ते को इस तरह से हमने जो आटे का जो बैटर बनाकर रखा है उसमें डाल देंगे, उसके बाद धीरे से कढ़ाई में छोड़ देंगे। उसके बाद इसी तरह से दूसरा डाल देंगे और एक एक करके सारे नाश्ते को इसमें डाल देंगे। इसी तरह से आप चाहें तो हाथ से भी डाल सकते हैं, तो थोड़ा हाथ से डाल रही हूँ तो हाथ से भी बहुत ही अच्छे से डाला जाता है। तो सभी को डाल देते हैं। उसके बाद इसका फ्लेम मीडियम कर देंगे, मीडियम से हाई फ्लेम पर इसको अच्छे से डीप फ्राई कर लेंगे। तो अच्छी तरह से उलट पलट कर दोनों साइड से इसको अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। तो अच्छी तरह से उलट पलट कर एक एक करके इस तरह से अच्छे से सबको उलटते पलटते हुए दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुका है, देख सकते हैं देखने में कितनी अच्छी लग रही है। और ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा कुरकुरी और क्रंची बनकर तैयार होती है। तो अब इसे बाहर निकाल लेती हूँ, इसी तरह सेकेंड ट्रिप भी बना लूँगी और इसे भी उलट पलट कर अच्छे से फ्राई कर लेंगे, तब तक इसे सर्व करती हूँ। तो इसे आप बिना सॉस या बिना चटनी का सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी रेसिपी है। मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।